नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीश, स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन के क्रैश के बारे में। तो रिसेंटली ये इंसिडेंट जो है वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल में जो टेस्ट ड्राइव के दौरान क्या हुआ, ऑटोमेटिक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की टेस्ट ड्राइव ले रहे थे एक पर्सन, और तो कन्फ्यूज हो गए पैडल वगैरह के बीच में कि कौन सा पैडल दबाऊं कौन सा नहीं दबाऊं। तो वहां पर जो है उन्होंने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया और सामने खड़ी थी स्विफ्ट डिजायर। अब भाई साहब, स्विफ्ट डिजायर तो पहले ही जो है जिसकी इतनी तारीफ होती है बिल्ड क्वालिटी वगैरह में, वहां पर जो है उसको बिड़ा दिया। अब क्रैश के बाद का इम्पैक्ट आप देख सकते हो, स्विफ्ट डिजायर पे क्या इम्पैक्ट आया और स्कॉर्पियो एन पे क्या है। इसका बैक जो है डैमेज हो चुका है, जो रियर गेट है राइट साइड वाला वो भी खुलना जो है बंद हो चुका है। यहाँ पर स्विफ्ट डिजायर की तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है, लेकिन अगर उसके बाद में अगर बात करें स्कॉर्पियो एन की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से जो है इसने इम्पैक्ट को रोका है। और यहाँ पर सिर्फ बम्पर गाड़ी का डैमेज हुआ है, गाड़ी के सिर्फ बम्पर चेंज कराने की जरूरत है और फॉग लैम्प राइट वाला चेंज कराने की जरूरत है। उसके बाद में गाड़ी, अगर लाइट वगैरह की बात करें तो पूरी लाइट वगैरह भी सेफ है, इम्पैक्ट आया बम्पर में, बाकी लाइट और बोनट वगैरह सब गाड़ी का सेफ है। अब ये वीडियो बनाने की जरूरत कहाँ से पड़ी, क्यों पड़ी, उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहली बात तो मैं आपको बताऊँ कि ये वीडियो मैंने ली है मिस्टर प्रतीक सिंह जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो है इसके ऊपर वीडियो डाली थी, उनको किसी ने शेयर करी थी उनके सब्सक्राइबर ने। मेरा ये बनाने का वीडियो इसलिए हो चुका क्योंकि जब मैं स्कॉर्पियो एन कवर करने गया था तब मैंने उसका शॉट डाला था, और शॉट के ऊपर लोग बागों के काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट थे स्कॉर्पियो एन के बारे में कि उनकी इमेज जो है स्कॉर्पियो को लेकर ऐसी बनी हुई कि पिछली वाली की अगर बिल्ड क्वालिटी खराब है तो इस वाली की भी जो है बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। पर यहाँ पर महिंद्रा ने, जैसा कि मैंने मेरे शॉर्ट के अंदर बताया था और इस वाली के अंदर बताया था, भले ही स्कॉर्पियो एन हो, भले ही एक्सयूवी 700 हो, भले ही एक्सयूवी 300 हो, महिंद्रा ने यहाँ पे बहुत फैंटेस्टिक जॉब करी है बिल्ड क्वालिटी को लेकर, क्योंकि अपनी इंडियन ब्रांड जो है कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है, चाहे भले वो टाटा हो भले वो महिंद्रा हो। आप एक्सयूवी 700 से लेके आप एक्सयूवी 300 को भी देख लो, चाहे से इतनी बढ़िया फैबुलस बिल्ड क्वालिटी के साथ जो आती है, बहुत ज़्यादा जो है अपनी इंडियन कंपनीज बिल्ड क्वालिटी को लेके कंसर्न है, बहुत ज़्यादा बढ़िया ध्यान दे रही है, और हमको भी जो है उस मुताबिक अपनी इंडिया की कार को ज़्यादा जो है प्रेफर करना चाहिए और गाड़ियों के बजाय। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के अंदर, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।